हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बी एन पांडे, आज आपको इकोनॉमिक्स की फर्दर क्लास कंटिन्यू करने के लिए आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग के इकोनॉमिक्स के क्लास में हम थर्ड यूनिट जो आपके सिलेबस में है उसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में बात कर लिए थे, यानी कर के बारे में हमारी बात पूरी चल रही थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कर भार, पिछली क्लास में हमें याद आ रहा है कर भार के बारे में हमने बात कर लिया था। आज हम कर भार के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में दिया गया है कि थियरीज ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, क्या है कर भार के सिद्धांत। तो हेडिंग आप डाल लो भैया, कर भार के सिद्धांत, थियरीज ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस। ठीक है, कर भार के सिद्धांत, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, कर भार के सिद्धांत। तो वास्तव में कई सिद्धांत दिए गए हैं कर भार के अंतर्गत। कर भार के सिद्धांत के अंतर्गत मतलब हमने दो चीज बताया था कर भार के अंतर्गत, आप लोग को याद होगा कि एक तो होता है सेक्रीफाइस ऑफ मॉनेटरी और दूसरा होता है हमारा इकोनॉमिक सेक्रीफाइस ऑफ इकोनॉमिक, वो भी कौन सा, आर्थिक कल्याण के बारे में हम बात करते थे ना, वेलफेयर इकोनॉमी के बारे में हम पिछली क्लास में आपको बताए थे कि दो तरीके का सेक्रीफाइस हम करते हैं। तो जो दो तरीके का सेक्रीफाइस करते हैं वो तो करभार के अंतर्गत आ गया जी। अब बात आती है कि करभार के अंतर्गत किन सिद्धांतों के माध्यम से करभार लगाया जाता है। ठीक है, तो कुछ सिद्धांत होंगे जिसके आधार पर वह अप्लाइड किया जाता है, वह लगाया जाता है करभार। तो उसमें कुछ प्रमुख सिद्धांत है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है कंसंट्रेशन थियरी। कंसंट्रेशन थियरी या इसी को कहते हैं केंद्रीकरण का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है प्रसरण सिद्धांत और इसी को कहते हैं डिफ्यूजन थियरी। और तीसरा सिद्धांत है मॉडर्न थियरी और चौथा सिद्धांत है मसग्रेव थियरी। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा डिमांड एंड सप्लाई थियरी ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यह भी आपको जानना है कि डिमांड एंड सप्लाई थियरी ऑफ इंसिडेंस वास्तव में मॉडर्न थियरी ऑफ टैक्स के अंतर्गत, ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स के अंतर्गत आता है। तो प्रमुख रूप से ये चार सिद्धांत हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, थियरीज ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस के अंतर्गत। कौन कौन से सिद्धांत हैं जल्दी से, अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग बृहद व्याख्या करेंगे। पहला है कंसंट्रेशन थियरी। कंसंट्रेशन थियरी या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण का सिद्धांत, करण का सिद्धांत। ठीक है भैया, दूसरा जो सिद्धांत आता है इसके अंतर्गत उसे हमने बताया क्या, डिफ्यूजन सिद्धांत या डिफ्यूजन थियरी, जिसे हम कहते हैं प्रसरण का सिद्धांत। प्रसरण, डिफ्यूजन थियरी, इसी को हम कहते हैं प्रसरण, प्रसरण का सिद्धांत। तीसरा हमने आपको बताया मॉडर्न थियरी, आधुनिक, और लास्ट हमने आपको बताया, क्या बताया लास्ट हमने, मसग्रेव का थियरी।
मसग्रेव, ठीक है। तो ये चार तरीके का सिद्धांत हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, और चार ही तरीके के बारे में हम लोगों ने बात करनी है थियरीज ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस के रिगार्डिंग, टैक्सेस के संबंध में, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक एक सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि एक एक सिद्धांत अपने आप में किन किन बातों को कहता है, क्या उसका तथ्य है, इसके बारे में आज हमको जानना है। तो जो पहला थियरी है इसके अंतर्गत आप लिख लो, पहला थियरी यानी केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत क्या बतलाया गया है, थोड़ा सा कुछ लिख लिया जाए इसके अंतर्गत मैटर। वास्तव में कुछ अर्थशास्त्री ऐसे थे जो प्रकृतिवादी थे, कैसे थे, प्रकृतिवादी। तो लिख लो इसके अंतर्गत प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे, इसके अंतर्गत प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बतलाया कि कोई कर कहीं भी, जिन्होंने बतलाया कि कोई व्यक्ति या वस्तु पर क्यों न लगाया जाए, क्यों न लगाया जाए, ठीक, अंतिम रूप से उसका भार भूमिपतियों पर ही केंद्रित हो, इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात क्या आई कि कोई भी कर लगाया जाए, टैक्स चाहे कैसा भी हो, कहीं भी लगे, बस इंपोज किया जाए तो उसका जो टैक्स भार होगा, इस इंपोज्ड किए गए टैक्स भार जो है, टैक्स यानी इंसिडेंस जो होगा, वह किस पर पड़ेगा, लैंडलॉर्ड पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, लॉर्ड या भूमिपतियों पर पड़ेगा, ठीक है। बात सुन भाई, टैक्स जो इंपोज्ड किया जाएगा इसका पूरा का पूरा भार जो है, प्रभाव लैंडलॉर्ड पड़ेगा, और यही इसे सिद्धांत की प्रमुख बात है, ठीक है। केंद्रीकरण सिद्धांत के बारे में प्रमुख बात यही है, ठीक है, उसका भार भूमिपतियों पर ही केंद्रित हो। इसका कारण केवल, इसका कारण केवल कृषि में ही अतिरेक उत्पन्न होना होता है, कृषि में ही अतिरेक उत्पन्न होना होता है। अब देखो जी, लैंडलॉर्ड पे लगाने वाला जो इफेक्ट होता है यानी टैक्स इंसिडेंस, इसका कारण पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि जो लैंड पर लगने वाला हमारा, लैंड पर जो प्राप्त होता है क्या, अतिरेक यानी सरप्लस, तो सरप्लस पर ही यह कह रहा है कि वास्तव में सरप्लस पर ही क्या दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है, अतिरेक पर ही उत्पन्न होने वाला कारण के रूप में इसको जाना जाता है। स्पष्टतः यदि कोई कर
किसी अन्य वस्तु या वर्ग पर लगाया जाए, यदि कोई कर किसी अन्य वस्तु या वर्ग पर लगाया जाए तो उस कर भार उस समय तक दूसरों पर टलता रहेगा, उस समय तक दूसरों तक टलता रहेगा जब तक कि वह अंततः भूमि या कृषक पर ना पड़े, हो गया। देखो जी, कह रहा है कि हम टैक्स इंसिडेंस तब तक क्या करेंगे, टालेंगे। टलने का मतलब क्या, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स तब तक करेंगे, जो चार तरीके का हमने बताया ना, प्रत्यक्ष वास्तविक भार, हाँ, और क्या बताया था, प्रत्यक्ष वास्तविक भार के अलावा इसी के तरीके से है प्रत्यक्ष मुद्रा भार और अप्रत्यक्ष मुद्रा भार और अप्रत्यक्ष वास्तविक भार। तो ये जो चार तरीके का हमने बतलाया था आपको कि किस तरीके से हम शिफ्टिंग ऑफ टैक्स करते हैं, टैक्स का विवर्तन करते हैं, कर का विवर्तन करते हैं, उसके अंतर्गत यहां पर जो बात की गई है कि अगर ऐसी परिस्थिति आई, केंद्रीकरण का सिद्धांत यही कहता है, जो प्रकृतिवादी वाले अर्थशास्त्री थे उन लोगों के द्वारा यह बतलाया गया कि कर जो है वह वास्तव में भूमिपतियों पर लगता है, यानी कृषक पर लगता है, ठीक है। भूमिपतियों यानी जो कृषक तो है ही, मगर जिनके पास थोड़ी लंबी ज्यादा जो है वो है, क्या नाम, भूमि है, ठीक है, उन पर लगता है, और भूमि के जो उत्पन्न होने वाले उत्पादन उसके अतिरेक पर लगता है, यानी उसके सरप्लस पर लगता है। तो एक बात निकल के यहां पर यह आई कि अगर मान लो, कह रहा है कि यदि कोई कर किसी वस्तु या व्यक्ति पर लगाया जाए, वर्ग पर लगाया जाए, तो उस कर भार तक दूसरों तक तब तक टालता रहता है जब तक कि वह अंततः भूमि या कृषक पर ना पड़े। तो या तो लैंड पर पड़ना चाहिए, या तो किस पर पड़ना चाहिए, कृषक पर यानी फार्मर पर पड़ना चाहिए। तो यह कुछ बात यहां से निकल के आई कि यह वास्तव में फार्मर्स के बारे में बात करता है, वास्तव में लैंड के बारे में बात करता है, यह वास्तव में लैंड के प्रोडक्शन पर होने वाले सरप्लस के बारे में बात करता है। कौन, हमारा कंसंट्रेशन थियरी। यह कंसंट्रेशन का मतलब क्या, केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत किस पे है, लैंड लॉर्ड या कृषक या हमारे भूमि पर। बात समझ आई ना, तो कर लोगे। यहां पे प्रमुख बात क्या क्या है, नेचुरलिस्टिक है। दूसरी बात है टैक्स इंपोज्ड होता है किस पर, लैंड लॉर्ड पे। तीसरी बात क्या है कि लैंड के जो प्रोडक्शन है उसके सरप्लस पर कर भार लगता है। और चौथी बात क्या है कि यदि मान लो कहीं कर लगता भी है तो तब तक हम टालते रहते हैं, यानी तब तक हम शिफ्टिंग ऑफ टैक्स करते रहते हैं जब तक कि उसका प्रभाव फार्मर या लैंड पर ना पड़े, ठीक है। तो यह तो रही केंद्रीकरण का सिद्धांत की प्रमुख बात है। अब दूसरी जो बात है, दूसरी प्रमुख बात सिद्धांत, वह है डिफ्यूजन सिद्धांत या डिफ्यूजन थियरी। क्या कहते हैं इसको, प्रसरण का सिद्धांत, प्रसरण यानी फैलाव का सिद्धांत। देखो हम क्या बात किए, वास्तव में प्रसरण के सिद्धांत को जो देने वाले थे वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था N.F. Canard। क्या नाम था, N.F. Canard। अब इनके बारे में हम बात थोड़ा कर ले, किनके बारे में, इनके बारे में, प्रसरण के सिद्धांत के बारे में थोड़ी बातचीत हम लोगों ने करनी है। तो सबसे पहली बात है कि इसको देने वाले कौन थे, प्रसरण का सिद्धांत जो है डिफ्यूजन थ्योरी ये देने वाले, तो प्रोपाउंडर इसके कौन थे, प्रोपाउंडेड बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, N.F. Canard। क्या नाम था, N.F. Canard।
यहाँ पूछा जाता है कि प्रसरण का सिद्धांत किसने दिया, आप कहोगे सर एन एफ कैनॉट ने। ठीक है, वास्तव में केंद्रीकरण सिद्धांत की आलोचना की गई। केंद्रीकरण सिद्धांत में आपको बस इतना ही देखने को मिलेगा कि केंद्रीकरण का सिद्धांत जो है यह बस भूमिपतियों पर लगाया जाने वाला कर के बारे में बात करता है, जबकि वास्तविक में अवस्था नहीं होता। तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसके उत्पादन से उत्पादन और अतिरिक्त प्राप्त होता है और कर लगाने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। ठीक है, इनके अनुसार हाँ अतिरेक केवल कृषि में ही नहीं, इनके अनुसार यानी किनके अनुसार, एन एफ कैनॉट के अनुसार और प्रसरण के सिद्धांत के अंतर्गत जो बातें की गई है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। इनके अनुसार अतिरेक केवल कृषि में ही नहीं, अतिरेक केवल कृषि में ही नहीं बल्कि श्रम पूंजी, बल्कि श्रम पूंजी वाणिज्य बल्कि श्रम पूंजी वाणिज्य व्यवसाय आदि क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इसलिए कर्मभार सभी लोगों की शुद्ध आय पर समान रूप से पड़ता है, आय पर समान रूप से पड़ता है। वास्तव में यह जो प्रसरण का सिद्धांत है इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इसी आधार पर इनकी आलोचना की गई। आलोचना का मूलभूत जो आधार था वो क्या था कि वास्तव में भैया ये जो कृषि पर ही इनकी आधार अपनी बात कृषि को ही आधारित कर अपनी बात कर रहे थे प्रकृतिवादी लोग, वास्तव में ऐसा नहीं था। कई अन्य ऐसे कर को उत्पन्न करने के साधन थे, जैसे अगर हम बात करें तो अतिरेक के बारे में बात करता है तो श्रम का अतिरेक, पूंजी का अतिरेक, उद्योग का अतिरेक, वाणिज्य का अतिरेक, व्यवसाय का अतिरेक, जहां पर कर भार सभी लोगों की शुद्ध आय पर समान रूप से लगती थी या समान रूप से पड़ता था। तो एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई अन्य यानी अन्य सभी क्षेत्रों को यहां पर समाहित किया गया, ठीक है, जैसे कहां कहां, जैसे आपने मैंने क्या बताया, जैसे व्यवसाय उद्योग, ठीक है, वाणिज्य, जैसे आपके पूंजी श्रम, तमाम ऐसे अन्य घटक थे जहां पर अतिरेक उत्पन्न होता था और उस सरप्लस पर यहां पर टैक्स लगता था। कैसा लगता था, नेट इनकम पर यानी शुद्ध आय पर समान रूप से। यह महत्वपूर्ण बात है कि नेट इनकम, और वो भी कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, समान रूप से इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी फॉर्म ऑफ इक्वालिटी बोल लो। चलो इसके बाद अगला चीज लिखो इसी में कि प्रत्यक्ष कर का विवर्तन, प्रत्यक्ष कर का विवर्तन उस समय तक होता रहता है जब तक कि उसका भार, प्रत्यक्ष कर का विवर्तन उस समय तक होता रहता है जब तक कि उसका भार समाज के सभी वर्गों तक न फैल जाए, जब तक कि उसका भार समाज के सभी वर्गों तक न फैल जाए। ठीक है, जब तक कि उसका भार समाज के सभी वर्गों तक न फैल जाए, बस नहीं। अब देखो जी, अगर हम बात करें प्रसरण, प्रसरण का मतलब क्या होता है, फैलाव,
यहां पर केंद्रीकृत कर दिया गया था, यहां पर बस एग्रीकल्चर के बेस्ट पे कर दिया गया था, यहां पर चीजों को हम फैला दिए थे। तो फैलाने के बाद यहां पर एक बात और निकल के आई सामने, और वह बात क्या थी कि भैया यह केंद्रीकरण सिद्धांत के विपरीत है, अर्थात हम चीजों को फैला देंगे। तो यहां पे आपने देखा हम वाणिज्य, उद्योग, व्यवसाय और श्रम, पूंजी, तमाम अतिरेक के बारे में बात किए, तमाम सरप्लस के बारे में बात किए। तो यहां पे एक बात और निकल के आई कि भैया जो टैक्स ऑफ शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स है, कर का विवर्तन है, अपने कर भार को दूसरों पर आरोपित करने या टालने का जो प्रमाण है, वह वास्तव में हम तब तक करते हैं जब तक समाज के सभी वर्गों पर इसका प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो भार लोगों पर कम होगा ना, सब पर पड़ेगा तो लाजमी सी बात है भाई, हमारे भार ही बट जाएगा। भार बट जाएगा तो किसी एक पर लगने वाला प्रभाव, टैक्स का जो जो उसको टैक्स देने पर जो उत्पन्न होती है उसको हानि, वह कम पड़ेगी। और यही तो कहता है करभार। करभार के सिद्धांत का मतलब क्या कि कौन कौन से ऐसे मौलिक सिद्धांत हैं जिसके आधार पर करभार का आरोपण किया जाता है। बात समझ में आया यहां तक? चलो, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इस यह कहा कि प्रत्यक्ष कर का विवर्तन यानी शिफ्टिंग ऑफ टैक्स किसका, डायरेक्ट टैक्स का। अब डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा है जानते हो, इनकम टैक्स वगैरह जो होता है, ठीक है। तो इसका अगर विवर्तन यानी शिफ्टिंग ऑफ टैक्स हम करेंगे तो हमने इसमें बताया कि उस समय तक होता रहता है जब तक कि उसका भार समाज के सभी वर्गों तक न फैल जाए। कहां तक न फैल जाए, समाज के सभी वर्गों तक, यानी हम तब तक शिफ्टिंग ऑफ टैक्स करेंगे इसमें, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स तब तक करेंगे, वो भी किसके बेसिस पे, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का हम शिफ्टिंग ऑफ तब तक करेंगे जब तक क्या हो, इसका प्रभाव ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के समस्त लोगों पर इसकी बातचीत हम करते हैं कि इसका प्रभाव अब पड़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात, आई बात समझ में। चलो जी, इसके आगे की बात करते हैं। देखो, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कॉनराड ने कि यदि मनुष्य के एक हाथ में से कहीं से खून निकाला जाए तो इसका प्रभाव जहां से खून निकाला जाता है वहीं पर नहीं पड़ता, बल्कि समस्त खून, समस्त शरीर के खून में से उसकी खून की कमी होती है। ठीक है, हम लोग जब भाई खून वून निकालते हैं इसके मतलब अपने बात को प्रभाव पड़ता है ना, कि ऐसे जहां से निकालते हैं बस वहीं का खून कम होता है क्या, ऐसा नहीं है ना। इसीलिए इन्होंने कहा कि क्योंकि खून की मात्रा संपूर्ण शरीर में समान रूप से वितरित होने की प्रवृत्ति रखती है, इसीलिए खून की मात्रा जो है वह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये लिखना चाहो तो लिख लो, इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि यदि मनुष्य के नस से, किसने बोला है, एकदम पॉपुलर इन्वर्टेड कॉमा में, इन्हीं ने, कॉनराड ने, यदि मनुष्य के नस से कहीं एक जगह से खून निकाला जाए तो, कहीं एक जगह से खून निकाला जाए तो खून की कमी केवल उसी नस में नहीं होगी, खून की कमी केवल उसी नस में नहीं होगी कि कमी केवल उसी नस में नहीं होगी हाँ कमी केवल उसी नस में नहीं होगी बल्कि सारे शरीर में, बल्कि सारे शरीर में बराबर रूप से कमी होती है, बल्कि सारे शरीर में बराबर रूप से कमी होती है क्योंकि खून की मात्रा संपूर्ण शरीर में समान रूप से वितरित होने की प्रवृत्ति रखती है।
क्योंकि खून की मात्रा संपूर्ण शरीर में समान रूप से वितरित होने की प्रवृत्ति रखती है। क्या होने की प्रवृत्ति रखती है। अब देखो जी, इस सिद्धांत के कुछ समर्थक थे, उन समर्थकों में प्रमुख नाम क्या क्या है, रॉबर्ट्स गिफिन, वेस्टबेल, फिनाल्डी सिराज, फिंडले सिराज। क्या नाम था? रॉबर्ट गिफिन। कुछ समर्थक थे, इस सिद्धांत के समर्थक थे, उनमें प्रमुख नाम क्या था? रॉबर्ट गिफिन। हाँ, रॉबर्ट गिफिन, उसके बाद फिंडले सिराज, ठीक है, रॉबर्ट गिफिन, फिंडले सिराज, और एक और नाम महत्वपूर्ण था, वेस्टबेल। ये प्रमुख नाम थे जिसका यहां पर जिक्र किया गया, ठीक है, गिफिन। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है आधुनिक सिद्धांत। क्या नाम है भैया? आधुनिक सिद्धांत। और इस सिद्धांत के बारे में हमने थोड़ी बात करनी है। रॉबर्ट गिफिन के बाद वेस्टबेल, सिराज के बाद वेस्टबेल। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? तो सबसे पहले हमारा जो प्रसरण का सिद्धांत था, इसकी आलोचना की गई। और इसकी आलोचना किस बेस पे की गई? कि प्रत्यक्ष कर का विवर्तन नहीं होता। किस बात पर आलोचना की गई? क्रिटिसाइज किया गया इस आधार पर कि डायरेक्ट टैक्स का शिफ्टिंग ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स का नहीं होता। इस बात पर कटु आलोचना की गई कि डायरेक्ट टैक्स का जो है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स हम करते ही नहीं है, ठीक है, इसकी आलोचना की गई। मतलब किसकी? प्रसरण सिद्धांत की आलोचना प्रत्यक्ष कर का विवर्तन नहीं होने के आधार पर किया गया। प्रत्यक्ष कर का विवर्तन नहीं होने के आधार पर किया गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कर जो है उत्पादन लागत का एक अंग है। तो पहली बात, महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आई? कि टैक्स इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। टैक्स इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या मैंने बोला इसमें? कि कर जो है, कर उत्पादन लागत का एक अंग है। हाँ, कर उत्पादन लागत का एक अंग है, ठीक है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं, हाँ, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं के निष्पादन के लिए, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं के निष्पादन के लिए जनता को कर का भुगतान करना पड़ता है। जनता को कर का भुगतान करना पड़ता है, यानी सरकार जो सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और इसके बिहाफ पर हम जो पेड करते हैं, जो क्या करता है, पेमेंट इंसान करता है, वह इसलिए करता है कि गवर्नमेंट के सर्विस को हम अवेल करते हैं। क्या करते हैं? अवेल करते हैं, यानी गवर्नमेंट की सर्विस को हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसी गवर्नमेंट की सर्विस को प्राप्त करने के लिए हम जनता
कुछ कर का भुगतान करते हैं तो क्या करते हैं हम, कुछ पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं, जनता के द्वारा भुगतान किया जाता है, जनता को भुगतान नहीं, जनता के द्वारा भुगतान किया जाता है। बात समझ आई, बात समझ आई यहां तक? हां, यह मूल्य संरचना, हां एक लाइन छोड़ के, यह मूल्य संरचना, यह मूल्य संरचना वस्तु विनिमय, मूल्य संरचना यानी प्राइस कंस्ट्रक्शन, प्राइस का निर्माण कैसे हो, किस आधार पर प्राइस कितना रखें, वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, वस्तु की मांग एवं पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक, कर की प्राप्ति, रिसीव ऑफ टैक्स, ठीक है, और स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, सब्स्टिट्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है, हाँ, कर की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ टैक्स, इत्यादि बातों पर इत्यादि तत्वों द्वारा प्रभावित होने वाली एक प्रक्रिया है, प्रभावित होने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो आधुनिक सिद्धांत के जो मानने वाले लोग थे उन्होंने प्रसरण के सिद्धांत का इस आधार पर विरोध किया, इस आधार पर उनकी आलोचना की कि वास्तव में प्रत्यक्ष कर का शिफ्टिंग ऑफ टैक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उनके द्वारा कहा गया कि वास्तव में कर जो है ना यह उत्पादन लागत का एक अंग है, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, टैक्स इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। इसके बाद उन्होंने कहा कि वास्तव में जो हम जनता के द्वारा जो हमारा टैक्स हम पेमेंट करते हैं वह हम यूं ही नहीं करते, वह इसलिए करते हैं कि हम जो है जनता की सुविधाओं को अवेल करते हैं, सॉरी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसके बदले में हम टैक्स का भुगतान करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह मूल्य संरचना, वस्तु विनिमय, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग एवं पूर्ति की लोच एवं तमाम ऐसी बातों को उन्होंने बल दिया जिसके आधार पर क्या हुआ, जिसके आधार पर उत्पादन के साधन के द्वारा उत्पादन को संभव बनाया जाता है। तो यह तमाम बात कहा अंतर किसके अंतर्गत आई, किस सिद्धांत के अंतर्गत, आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आई। कभी कभी इसी सिद्धांत को डिमांड एंड सप्लाई थियोरी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी बोलते हैं। तो आप परेशान ना होना, वास्तव में इसका बृहद आकार जो है वह मॉडर्न थियोरी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स के अंतर्गत हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब चौथा और अंतिम जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है मसग्रेव का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, मसग्रेव के द्वारा दिया गया सिद्धांत, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ,
इसमें आपने ये बताया तत्वों के द्वारा प्रभावित होने वाली प्रक्रिया है उत्पादन की। हाँ भाई क्या है, उत्पादन के कार्य में ये सारी चीजें आती है कि नहीं आती है, तो वही तो प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया का मतलब क्या कि यह निरंतर चलता रहता है, प्रोसेस हमेशा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। अगर हम कहें कि आपके पास होने की प्रक्रिया के अंतर्गत आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ना छोड़ दे तो पास नहीं होंगे। तो प्रक्रिया क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, चयन होता है जो चलना चाहिए, हमेशा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं ना, तब वहां कहीं रेलगाड़ी का एक संपूर्ण आकार प्रदान करते हैं। तो जिस तरीके से रेलगाड़ी के इंजन के साथ रेलगाड़ी के डिब्बे जुड़े रहते हैं, ठीक उसी तरीके से आप इंजन के स्वरूप को समझ लें टैक्स, और उसके डिब्बों को समझ लें उत्पादन के ये तमाम तत्व। ठीक है, अब समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़े। अब जो चौथा सिद्धांत है इंसिडेंस ऑफ टैक्स के अंतर्गत, वह है मसग्रेव थियरी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, मसग्रेव ने क्या बोला इसके बारे में हम बात करते हैं। तो लिख लीजिए इसके अंतर्गत कि बजटीय नीति परिवर्तन के वितरण संबंधी, हाँ बजटीय नीति नीति अब हम बात किसके बारे में करते हैं भैया, मसग्रेव के सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी यह सिद्धांत इसके बारे में, ये जो मसग्रेव महानुभाव आपको दिख रहे हैं ना, इनके बारे में हम बात करेंगे। मसग्रेव, हाँ इन्होंने क्या कहा, बजटीय नीति परिवर्तन के वितरण, बजटीय नीति परिवर्तन के वितरण संबंधी परिणाम को ध्यान में रखती है, वितरण संबंधी परिणाम को ध्यान में रखती है। कौन, बजटीय नीति, बजटीय नीति वितरण के परिवर्तन, हाँ तो लिख लो ना, बजटीय नीति परिवर्तन के वितरण संबंधी, वितरण संबंधी परिणाम को ध्यान में रखती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मसग्रेव के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो बजटीय पॉलिसी है, यानी बजटरी जो हमारी पॉलिसी है, सॉरी जो हमारी बजटरी पॉलिसी है, इन्होंने क्या कहा कि बजटीय नीति परिवर्तन के वितरण संबंधी परिणाम को ध्यान में रखती है, वितरण संबंधी परिणाम को ध्यान में रखती है। बजटीय नीति परिवर्तन के वितरण संबंधी परिणाम को ध्यान में रखती है। तो बजटरी पॉलिसी कंसिस्ट क्या करती है, ध्यान में किसके रखती है, चेंजेस के, कौन से चेंजेस, परिवर्तन के वितरण, यानी चेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और इसके रिजल्ट को ध्यान में रखती है। किसके रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट आता है इसको यह क्या करती है, ध्यान में रखती है, यानी कंसिस्ट करती है कौन, हमारा बजटरी पॉलिसी। ठीक है, बात समझ में आई ना। हमने कहा बजटीय नीति परिवर्तन के वितरण संबंधी परिणामों को ध्यान में रखती है। आगे, निजी उपयोग के लिए उपलब्ध आय के वितरण, हाँ निजी उपयोग के लिए उपलब्ध आय के वितरण, निजी उपयोग के लिए उपलब्ध आय के वितरण, निजी उपयोग के लिए उपलब्ध आय के वितरण में परिणामी परिवर्तन के रूप में परिणामी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया, निजी उपयोग के लिए उपलब्ध आय के वितरण में परिणामी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया। कि निजी जो हम उपयोग करते हैं ना, यूजर्स ऑफ
निजी यानी प्राइवेट। प्राइवेट क्या, प्राइवेट क्या बताओ, यूजेज ऑफ प्राइवेट, निजी उपयोग के लिए उपलब्ध आय के वितरण, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑफ इनकम जो होता है आय के वितरण में परिणामी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया, जो बजट नीति में, जो बजट नीति में परिणाम के फल स्वरूप उत्पन्न होता है। जो बजट नीति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप के रूप में उत्पन्न होता है, तो यूजेज ऑफ जो प्राइवेट हमारा, अरे भाई ध्यान से सुना, सुनो जरा, निजी उपयोग के लिए उपलब्ध आय के वितरण में परिणामी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया, लिखा है, जो बजट नीति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखो यूजेज ऑफ प्राइवेट चेंज, जो हमारा क्या था, निजी परिवर्तन, निजी उपयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए, तो प्राइवेट यूज के लिए अगर हम बात करें तो प्राइवेट यूज के लिए जो परिणाम आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, अगर हम बात क्या करें प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए जो भी रिजल्ट आते हैं, वह रिजल्ट कैसे आते हैं कि बजट में जो परिवर्तन होता है, कहां परिवर्तन होता है, बजट में, और बजटरी चेंज में होने वाले परिणाम के आधार पर जो भी यहां पर रिजल्ट आपको दिखेगा, इसका रिजल्ट हमको कहां देखने को मिलता है, हमको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है प्राइवेट यूज के अंतर्गत। प्राइवेट यूज के अंतर्गत वह कराधान और सार्वजनिक व्यय, हाँ वह कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीति में परिवर्तन है। कराधान यानी टैक्सेशन, दूसरी बात इसी के अंतर्गत आती है कि वास्तव में वह कराधान यानी टैक्सेशन एंड सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय की नीति में परिवर्तन है। चेंजेस इन द पॉलिसी, कौन से पॉलिसी में, ये दो, कौन से, टैक्सेशन के पॉलिसी में, और दूसरी बात इसी के अंदर आती है ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के पॉलिसी में, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत की गई, किसके अंतर्गत, मसग्रेव के सिद्धांत के अंतर्गत। इन्होंने और तीन बात बतलाया, वो क्या क्या था कि समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच, हाँ समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच वितरण आय को प्रभावित कर सकता है। क्या कहा इन्होंने कि समुदाय के यानी कम्युनिटी के जो जितने भी क्लासेस हैं, समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच वितरण यानी इनकम क्या करेगा, इनकम कैन बी अफेक्ट, कैन बी अफेक्ट ऑल क्लासेस ऑफ क्या, मैंने बोला वितरण आय को प्रभावित कर सकता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अफेक्ट, क्या लिखोगे, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अफेक्ट ऑल क्लासेस ऑफ या इनकम ऑफ ऑल क्लासेस कम्युनिटी, क्या लिखोगे, अफेक्ट इनकम ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के, ठीक है, कम्युनिटी के समस्त क्या करेगा, यह क्या बताया कि समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच वितरण
आय को प्रभावित कर सकता है। वितरण किसको प्रभावित करेगा? आय को प्रभावित करेगा। चलो दूसरा क्या है कि निजी से सार्वजनिक उपयोग में संसाधनों के दूसरी बात जो इसके अंदर आती है, निजी से सार्वजनिक उपयोग में संसाधनों के हस्तांतरण, में परिवर्तन हो सकता है। अब अगर कोई प्राइवेट से कोई चेंज करे कहां पे, पब्लिक, और बात करें भैया संसाधन के बारे में, किसके बारे में, संसाधन के बारे में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या रिसोर्सेस के बारे में अगर बात करें, तो रिसोर्सेस के बारे में अगर बात करेगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा? इट कैन बी चेंज, हो सकता है, ठीक है। तीसरा, इससे उत्पादन में परिवर्तन हो सकता है, इट्स माइट बी चेंज इन प्रोडक्शन, इससे उत्पादन में चेंज हो सकता है, ठीक है, बस नहीं। तो ये तो पूरी कहानी रही किसके बारे में, थियरीज ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में, ठीक। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज, जल्दी से रिकॉल कर ले। हम लोगों ने पढ़ा कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स की कितनी थियरीज हैं, तो हमने आपको बतलाया कि बच्चा वास्तव में इसकी जो थियरीज है वह कितनी होती है, वह होती है चार। कौन कौन से, कंसंट्रेशन, दूसरा हमने बताया डिफ्यूजन, तीसरा हमने बताया मॉडर्न, और चौथा हमने बताया मसग्रेव, ठीक है। कंसंट्रेशन में एग्रीकल्चर को बेस्ड मानते थे, आपको लिखवाए कि कंसंट्रेशन थियरी में हम एग्रीकल्चर को ही बेस्ड मानते थे, लैंडलॉर्ड पर लगने वाले कर को ही हम बोलते थे। डिफ्यूजन में क्या था कि उत्पादन के अन्य साधनों के आधार पर हमने क्या किया, कर का जो फैलाव था, विवर्तन था, इसको हमने कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। तीसरा जो आधार था हमारा मॉडर्न, यहां पे हमने बताया कि प्रोडक्शन के जो समस्त साधन थे उसको हमने यहां पर समाहित करने का प्रयास किया, और यह बताया कि टैक्स इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बताया मॉडर्न में, कि टैक्स इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और चौथा मसग्रेव थे, मसग्रेव में बजटरी पॉलिसी में परिवर्तन का जो स्वरूप उन्होंने देखा, वह देखा कि वास्तव में प्राइवेट यूज और उसका जो रिजल्ट होता है वह बजटरी चेंज में दिखता है। तो बजटरी पॉलिसी के बारे में अगर किसी ने बात की है तो कौन किया है, वह मसग्रेव ने, ठीक है। अगर कर उत्पादन का एक अंग है यह बात बोले, एमसीक्यू इस तरीके से आ जाए, तो आपका उत्तर क्या होगा कि उत्पादन के एक अंग के रूप में कर को मानने वाला जो कर भार का सिद्धांत है वह है आधुनिक का सिद्धांत। तीसरी बात महत्वपूर्ण हम आपको बता रहे हैं कि डिफ्यूजन में जो बात आती है कि प्रोडक्शन के समस्त कारकों को इसमें डिफ्यूजाइज किया जाता है, यानी यहां पर कर के भार को हम वितरित कर देते हैं, तो ऐसी बात यदि सम्मिलित होती है तो हम बात किसकी करेंगे, डिफ्यूजन थियरी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स की। और कंसंट्रेशन में हमने आपको बताया कि कंसंट्रेशन की जो थियरी है इंसिडेंस ऑफ टैक्स में, वह वास्तव में हमारा इस बात पर केंद्रीकृत होती है कि जो एग्रीकल्चर या यूं कहो कि कृषि का जो आधिक्य होता है, सरप्लस होता है, वह लैंडलॉर्ड या भूमि की एक अपनी एक क्षमता होती है, उसी के आधार पर लगना चाहिए क्या, टैक्स, ठीक है। तो कैसी रही क्लास मित्र, आई होप आप लोग को यह मजा आया होगा यह पढ़ के, यह समझ के। आपको बता दे कि हमारे यहां चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के प्लेटफॉर्म से एनवीएस केवीएस की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए भी हमारी जो क्लासेस है वह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में संचालित हो रही हैं। आप हमारी सर्विस को अवेल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे जो नंबर लिखा है यहां से हेल्पलाइन नंबर से आप अपनी बात को कह सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, आई होप आप लोग अच्छे से इस सिद्धांत को पढ़े होंगे, समझे होंगे, और आशा है कि इससे समस्त आने वाले संबंधित क्वेश्चन को आप सुविधा अनुसार
सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। चलिए इजाजत लेते हैं, थैंक यू सो मच।